शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रश्न ये है कि क्या रौनक, गांव में हमारी कुछ जमीन खाली पड़ी है काफी सालों से। वहां कौन किसान खेती कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। जब तक प्रहलाद चाचा थे तब तक जमीन की अच्छे से देखरेख भी हो रही थी और कुछ पैसे भी आ रहे थे, लेकिन अब वहां पर आधे से ज्यादा किसान खेती तो कर रहे हैं पर वहां से पैसे नहीं आ रहे। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं चाह रहा था कि तुम गाँव सेटल हो जाओ, इससे गांव की जमीन जायदाद की देखभाल भी हो जाएगी और रही बात शहर की तो वो मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, जैसे आप ठीक समझे। मैं और वैदेही गांव वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे और आगे जाके मैं वहां पे एक हार्डवेयर की दुकान भी खोल दूंगा। हेलो सर, सर आपने मेरा रिज्यूमे चेक किया? सर मेरे रिज्यूमे में ना मेरी सारी क्वालिफिकेशंस हैं। सर मेरा सपना है कि मैं अपनी लाइफ में ना अपनी मेरिट पे कुछ अचीव कर सकूं। सर मैंने MBA मार्केटिंग में किया है। सर मैं अपना 100% दूंगी, मैं कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। सर मुझे बस एक वो चांस चाहिए जिससे मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं। सर मैं सच कहूं ना तो मुझे मेरे फैमिली से अब कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेरे टैलेंट या मेरे कैपेबिलिटीज को समझ सकेंगे। सर बस मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। सर आप प्लीज मुझे एक चांस देकर देखिए, आपसे बस एक मौका मिल जाता ना सर तो। सर मैं अपना 100% दूंगी, आई गिव माई 100%, आई गारंटी यू। बहुत हिम्मत वाली है, अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने लिए कुछ करना बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने ऐसे घर में शादी की? छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, मैं आपके साथ हूं। अगर आप चाहें तो मेरे लखनऊ वाले मेन ऑफिस में आके एज अ मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका एहसान ये कभी नहीं भूलूंगी। मैं अभी आपको मेरे डिटेल्स मैसेज करती हूँ। ओके सर, थैंक यू। इट्स ओके, बाय बाय। यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कपड़े ठीक करने आई थी, सूखे कि नहीं। बाजार में बहुत मंदी आने वाली, अभी कहीं भी कुछ भी पैसा लगाना ठीक नहीं हो, इलेक्शन के बाद देखते हैं। अरे वैदेही, तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन फोन कर रहा है? अरे वैदेही,
तुम्हारा फोन बज रहा है। इसका फोन है। फोन अनलॉक करो। क्या हुआ है रौनक को? मैंने कहा फोन अनलॉक करो। लखनऊ के लिए कब निकलना है उस हिसाब से मैं टिकट करवा देता हूं। रौनक आप गलत समझ रहे हैं। वो रौनक मेरे पीठ पीछे सब चल रहा है। मेरे बॉस के साथ आशिकी। क्या बकवास कर रहे हो रौनक तुम? आपने पढ़ा है ना मैसेज रौनक? उस पे क्या गलत लिखा है? मैंने सब कुछ पढ़ा है। बॉस के साथ लखनऊ जाने का प्लान बन रहा है ना? छी रौनक छी, आप मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो जानते हैं ना मुझे। अब मेरा तब घुटता है इस घर में रौनक। मैं काम करना चाहती हूँ रौनक, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, और इसीलिए वो मैसेज काम के लिए। काम करना है तुझे? अपनी इज्जत बेचकर या हमारे परिवार की इज्जत बेचकर? अगर हमारे खानदान की इज्जत पे जरा सी भी आंच आई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती हम तुम्हारा वो हजर करेंगे। अरे इसे कमरे में बंद कर देते हैं। खाना पानी जब बंद हो जाएगा ना तब सुधरोगी तुम। चलो चलो चलो, चलो। मेरी बात सुनिए। चलो आप तो मुझे जानते हैं ना। चलो सब करियर के लिए कर रही हूँ रौनक। चलो और बिठाओ सर पे। खबरदार किसी ने दरवाजा खोला तो। मेरे पीठ पीछे सब चल रहा है। मेरे बॉस के साथ आशिकी। बॉस के साथ लखनऊ जाने का प्लान बन रहा है ना? रौनक रौनक प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो रौनक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो रौनक। मैं बस थोड़े से वक्त के लिए बह गई थी रौनक, पर अब मुझे समझ में आ गया है। और मैं कभी कभी कोई जॉब करने की जिद नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखूंगी, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। शुक्र है कि भगवान है भाई, फाइनली तुम्हारे सर से ये करियर बनाने का भूत उतरा। और ऐसे भी लड़की हो आप, घर संभालती है, घर वाले को संभालती है, इससे बाहर जाके काम नहीं करती। और ये बात मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं कह पा रहा था। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही समझ गई। भैया ये विष्णु कहाँ मिलेगा? वहाँ
विष्णु? हाँ मैं हूँ। कुछ भी हो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चिंता मत करो, जो वैदेही के साथ हुआ वो सरासर गलत हुआ, लेकिन वैदेही ने जो कदम उठाया वो भी सही नहीं था। हमारे देश में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनके सपने देखने से पहले ही कुचल दिए जाते हैं। उन्हें ना उनके परिवार का साथ मिलता है और ना ही उनके पति का, और ज्यादातर औरतें अकेले जंग लड़ने में डरती हैं, इसीलिए खुद ही अपने सपनों का गला घोट देती। लेकिन वैदेही ने ना तो अपने सपनों का हाथ छोड़ा और ना ही उसके लिए लड़ाई की। उसने अपने परेशानी का हल निकालने के लिए गलत रास्ता चुना। क्या किसी के सपने किसी की जान से बढ़कर हो सकते हैं? उसका जुनून कब उसका पागलपन बन गया ये वो खुद भी समझ नहीं पाई। जहां वैदेही को सच्चे मन से लड़ना चाहिए था वहां उसने अपने पति को ही रास्ते से हटा देना चाहा। ये ले पैसा, इसको खत्म करना है। नहीं भैया जी, आपको तो पता है ये सब काम छोड़ दिया अब मैंने। ये काम नहीं करोगे तो और क्या करोगे? अभी फालतू बकवास मत करो, काम करो। कुछ हो रहा है तुमको? अभी पैसे लो और काम पूरा करो। काम धाम छोड़ देगा क्या उस बाजारू औरत के लिए? जिस वजह से तुमने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है ना, इस वजह को आज हम खत्म कर देंगे। ये क्या है? गिफ्ट है तुम्हारे लिए, इससे अपने प्यार की निशानी समझो। आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। पता नहीं क्या करने चली थी तुम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। रौनक छोड़ो ना ये सब, जो हुआ ना वो हो गया। चलो ना हम एक नई शुरुआत करते हैं, कहीं घूमने निकल चलते हैं जैसे पहले निकल जाया करते थे चुप चुप के। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात, चलो चलते। उसके पहले भाग चलते हैं, चलो जल्दी। मीठा छोटा, चलो चलो आयो उसके पहले। हाँ चलो गाड़ी। मैं म्यूजिक लगाता हूँ। मैं साथ। ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है। ये गाना मेरा भी बहुत फेवरेट है। कितने दिन बाद हम लोग बाहर निकले ना? रौनक जरा गाड़ी रोको ना। क्यों? बस एक मिनट के लिए, कुछ बात बतानी है। ठीक है। बोलो। तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी एम्बिशियस हूँ। मैं तुम्हारा और तुम्हारी कामयाबी का बहुत मान करती हूँ। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा करियर, ये सब मुझे बहुत अजीज है। लेकिन ये सब मुझे अपने लिए भी चाहिए। पता है, और तुम वो सब हासिल करोगी जिसकी तुम हकदार हो।